हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। मैं हूं योगेश और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पिकर व्यू को यूज़ करते हैं और हम कैसे पिकर व्यू बना सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सकोर प्रोजेक्ट ओपन करता हूं, उसमें क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आईओएस के अंदर सिंगल व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ पिकर व्यू। ठीक है, वो सिंपली क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाके हमें यहाँ पे सर्च करना है पिकर। देखो यहाँ पे आ गया पिकर यू, सिंपली इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आपको ये फर्स्ट जो बटन है वहाँ पे डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल प्रेस करके फर्स्ट बटन के ऊपर डेलीगेट, ऐसे हमें टचअप कराना होगा। ठीक है, डेटा सोर्स और डेलीगेट। उसके बाद हम व्यू कंट्रोल डॉट एच फाइल के अंदर यहाँ पे हमें यहाँ पे डेटा सोर्स और डेलीगेट को असाइन करना होगा, यू आई पिकर व्यू डेलीगेट, यू आई पिकर व्यू डेटा सोर्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो डेटा होते हैं जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे उसको मैं एक एरे के अंदर स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक एरे बनाना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना देता हूँ। तो प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग नॉन एटॉमिक एनएस म्यूटेबल एरे एरे डेटा। ठीक है, एरे डेटा करके मैंने एक एरे बना दिया है। फिर उसको यहाँ पे सिंपली मैं सिंथेसाइज कर देता हूँ एरे डेटा को। उसके बाद ये जो डिड लोड के अंदर एरे डेटा इज इक्वल्स टू एनएस म्यूटेबल एरे एलोकेशन के लिए एलोक एंड इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हम यहाँ पे हम जो लिखना है, जो भी डेटा चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और बी सी डी ई और एफ, ऐसे मैंने सिंपली मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हमें क्या करना होगा, मेथड लेनी होगी। तो सबसे पहले तो ऐसे करके नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ पिकर व्यू। ठीक है, ये मेथड हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी होगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ऐसे सिंपली ऐसे एरो करके नंबर ऑफ लिखोगे तो ये मेथड आ जाएगी। यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना होगा, वन, कि हमें पिकर व्यू कितने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि मैं मुझे सिर्फ एक ही पिकर व्यू चाहिए। तो ये पिकर व्यू है वो एक ही चाहिए, तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ रोज इन अ कॉम्पोनेंट इसे सिलेक्ट करो, फिर ब्रैकेट करके यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है एरे डेटा डॉट काउंट। आपके अंदर जो रो है उसके अंदर आपको कितने कॉम्पोनेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया कि जो भी रो है यहाँ पे, ये जो भी रो के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट है वो मेरे एरे के अंदर जितने होंगे उसको काउंट कर दो, वो काउंट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो बस उतने कॉम्पोनेंट है। सो मैंने यहाँ पे सिंपली एरे को काउंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टाइटल फॉर रो, हमें रो का टाइटल भी तो देना होगा ना। सो हमें रो का टाइटल क्या चाहिए, तो ये सेकंड मेथड देखो, टाइटल फॉर रो। सो सिंपली अब हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में रिटर्न एरे डेटा ऑब्जेक्ट एट इंडेक्स एंड सिर्फ इसे यहाँ पे रो हो गया। ठीक है, इतना ही है, सिंपल इतना ही है। इसे हम रन कर देते हैं, सो हम आउटपुट देख लेते हैं हमारा। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, तो रो के अंदर आपको कितनी रोज चाहिए, तो इसके लिए मैंने एरे काउंट कर दिया। आपको कितने पिकर व्यू चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया।
उसके बाद रो के अंदर हमें कौन से डेटा चाहिए, तो एरे के अंदर जो डेटा है वो चाहिए, तो एरे और रो में एक एक करके वो आ जाएंगे इंडेक्स वैल्यू की तरह, 0, 1, 2, तो जी फर्स्ट रो के अंदर डबल ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, तो मैंने रन किया था, अटैच भी हो गया, और यहाँ पे देखो ये आ गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अगर हमें दो चाहिए पिकर व्यू तो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एक और एरे मैं यहाँ पे बनाना होगा, व्यू कंट्रोल डॉट एच में जाके एक और प्रॉपर्टी बना दो एरे की, स्ट्रॉन्ग नॉन एटॉमिक एन एस म्यूटेबल एरे, सॉरी एन एस म्यूटेबल एरे एरे डेटा वन, ठीक है। उसके बाद व्यू कंट्रोल डॉट एम में सबसे पहले तो इसे सिंथेसाइज कर दो यहाँ पे कॉमा करके, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम मैं एरे डेटा वन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एक लिखा ए लिखा है वहाँ पे वन वन कर देता हूँ, बी के जगह टू, सी के जगह थ्री, डी के जगह फोर फोर फोर, ई में फाइव लिख देता हूँ और एफ में सिक्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको कितने पिकर व्यू चाहिए, तो मुझे अभी दो पिकर व्यू चाहिए, ठीक है। ये जो है ये ए वाले और बाजू में दूसरा चाहिए 1 1 1 2 2 लिख के, तो हमें दो पिकर व्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख दो रिटर्न टू। उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है, मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूँ, अगर आपको एक चाहिए तो आपको याद हो इसलिए, इफ़ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो क्या करेगा, क्या करना होगा, रिटर्न एरे डेटा डॉट काउंट, ठीक है। इफ़ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वन सो हम क्या करेंगे, रिटर्न एरे डेटा वन डॉट काउंट, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न कंपोनेंट हो गया, कि हमारा जो पहले जो यहाँ पे जो होगा ये ए वाला जो यहाँ पे होगा वो एरे डेटा को काउंट करेगा, और यहाँ पे जो दूसरा जो पिकर होगा वो एरे डेटा वन को काउंट करेगा, ठीक है, ये इतना सिंपल। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अभी टाइटल के लिए हमें क्या करना है, तो टाइटल के लिए हमें सिंपली इफ़ कंपोनेंट ज़ीरो है तो रिटर्न एरे डेटा ऑब्जेक्ट एक्ट इंडेक्स रो, ये होना चाहिए। अगर कंपोनेंट इज इक्वल टू वन है तो हमारा जो सेकेंड एरे है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे रिटर्न एरे डेटा वन ऑब्जेक्ट एक्ट इंडेक्स एंड रो, ठीक है, और यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा कंपोनेंट को, यहाँ पे एक बार यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, ज़ीरो हो गया, इतना ही था, ठीक है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, अभी देखो यहाँ पे दो पिकर व्यू आ गए, ये है ए और ये है सेकंड वाला, ठीक है। देखो अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे दो पिकर व्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मेरा अगर मेरी कंपोनेंट ज़ीरो है तो उसके अंदर एरे डेटा को काउंट करो, और उसके अंदर एरे डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है वो रो के अंदर टाइटल में प्रिंट हो जानी चाहिए, और यहाँ पे सिंपली मैंने वन के अंदर एरे डेटा वन काउंट किया, उसके अंदर मैंने एरे डेटा वन को जो है उसको मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर शो कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करते हैं कि या इसके ऊपर मैं टेक्स्ट फील ले लेता हूँ, अगर इसके अंदर ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट फील के अंदर शो हो जानी चाहिए, इसके अंदर जो वैल्यू है वो दूसरे टेक्स्ट फील के अंदर शो हो जानी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मेन डो स्टोरी बोर्ड के अंदर जाके यहाँ पे
टेक्स्ट फील में सर्च करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील ले ली, उसको बड़ा कर देते हैं, विंडो सी एंड विंडो वी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दो हो गई हमारे पास। यहाँ पे जाके फोर्थ ऑप्शन में पहले तो मैं बैकग्राउंड उसका दे देता हूँ, जैसे बैकग्राउंड ये रहा बैकग्राउंड कलर, ओके ओके ये ठीक है। उसके बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर का जो कलर है वो मैं ब्लैक रखता हूँ, यहाँ पे भी ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं फटाफट हम ऐसे, ओके डन। उसके बाद व्यू, यह जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर जाके व्यू कंट्रोल डॉट एच फाइल सेलेक्ट करो, फिर टेक्स्ट फील, पहली जो टेक्स्ट फील है उस यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे टचअप करा दो, ठीक है। सो उसका नाम यहाँ पे मैं पहली टेक्स्ट का TXT1 लिख देता हूँ, और ये दूसरा है उस पर क्लिक करके यहाँ पे टचअप कर दो, उसका नाम है TXT2। आउटलेट भी बनानी है दोनों की, ठीक है। इसे यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद व्यू कंट्रोलर डॉट एम में जाके ये जो डॉट एच के अंदर जो हमने दो प्रॉपर्टी बनाई है टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू, उसे सिंथेसिस यहाँ पे कर देते हैं डॉट एम में, कहाँ कहाँ यहाँ पे, ठीक है। TXT1 TXT2, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और मेथड लेनी होगी, सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिड सिलेक्ट रो। अगर रो को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो टेक्स्ट फील के अंदर हमें जो एंट्री हो जानी चाहिए जो भी सिलेक्ट हो, तो यहाँ पे सिंपली डिड सिलेक्ट रो जो मेथड है वो लेनी होगी। यहाँ पे इफ़ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू, अगर ज़ीरो है कंपोनेंट की वैल्यू, अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे सेल्फ डॉट TXT जो पहली टेक्स्ट है टेक्स्ट फील है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एरे डेटा ऑब्जेक्ट एक्ट इंडेक्स NS इंटीजर है रो, हो गया। उसके बाद इफ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वन, तो क्या सेल्फ डॉट TXT2 जो सेकेंड टेक्स्ट है डॉट टेक्स्ट जो सेकेंड टेक्स्ट फील है वहाँ पे जो 11 वो 22 वाला जो एरे है वो उसके अंदर जो भी कुछ सिलेक्ट होगा तो कहाँ पे आ जाना चाहिए, सेकेंड टेक्स्ट के अंदर। अगर AABB वाला जो एरे है वो सिलेक्ट होगा तो वो टेक्स्ट फील एक के फर्स्ट टेक्स्ट फील के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। सो एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, तो हम एक बार देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है अभी। सो बिल्ड तो सक्सेस हो गया है, ओके। सो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे मैं सी सिलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे सी लिख के आ गया, यहाँ पे मैं 4 सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। सो ऐसे हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग ट्यूटोरियल कोई भी आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे आंसर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ कंपोनेंट ज़ीरो है जो हमारा पहला एरे है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और वो सिलेक्ट करोगे तो वो टेक्स्ट फील के अंदर पहले टेक्स्ट फील के अंदर शो हो जाएगा, और दूसरे एरे का जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो दूसरे टेक्स्ट फील के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। अगर आपको ये मेरा